पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन करते हुए बढ़ती महंगाई का विरोध किया और धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर ने मीडिया को जानकारी देते हुए महंगाई पर अंकुश और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को तत्काल वापस लेने की मांग की है। महंगाई बेरोजगारी से पहले ही देश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। पेट्रोल 100 रुपए और सरसों का तेल 200 रुपए पार होकर रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए पार हो गया। अभी भी हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर जनता को आत्महत्या करने जैसा आत्मघाती कदम उठाने को विवश सरकार ने कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महंगाई एवं जीएसटी जो अभी हाल फिलहाल में लगाई गई है, इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि महंगाई बेरोजगारी से पहले ही देश की जनता त्रस्त त्रस्त कर रही थी। अभी हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं और खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लागू कर दी गई है, जिससे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। अतः शिवसैनिक मांग करते हैं कि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को तत्काल वापस लिया जाए। क्या वजह रही जो ऑर्डर सरकार सुनी नहीं रही है? इतने धरने प्रदर्शन होते हैं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। आज हमने इसी वजह से अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा और भविष्य में हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैसेज देना चाहेंगे सर? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार जो है ये कानों पे और आँखों पे और सब पे हाथ रखे बैठी हुई है। सरकार आँखें मूंदे हुई बैठी हुई है। सरकार देश हित में बात करे, देश की जनता के हित में बात करे। आपने देखा होगा कि तमाम विजय माल्या जैसे तमाम लोग करोड़ों अरबों रुपए लेके फरार हो रहे हैं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, त्रस्त हो रही है। बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन ये आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर शीघ्र ही सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे अर्धनग्न होकर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।